द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिलने से हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर दिया गया। इस कैटेगरी में पहली बार भारत ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। कार्तिकी गोंजविल्स ने इसे डायरेक्ट किया है, तो वही पुनीत मोगा ने इसे डायरेक्ट की है। कार्तिकी और पुनीत की जोड़ी ने 40 मिनट के इस फिल्म में इंसान और जानवर के बीच रिश्ते को बेहतरीन ढंग से दिखाया है। इस फिल्म को बनाने में पूरे 5 साल लगे। द एलिफेंट विस्पर्स में रघु, जो कि हाथी का बच्चा होता है, उसकी कहानी है। रघु के माँ की करंट लगने से मौत हो गई। वन विभाग ने रघु को जख्मी हालत में देखा। उसके पूंछ को कुत्ते ने काट खाया था। उसे तमिलनाडु के मधुमलाई टाइगर रिजर्व स्थित थेपकाडू एलिफेंट कैंप पे रखा गया। इस कैंप में अनाथ बिछड़े हुए हाथी को रखा जाता है। रघु को जब इस कैंप में लाया गया तो वो काफी कमजोर और बीमार था। रघु के देखभाल का जिम्मा बोमन और बेनो को दिया गया। बोमन की फैमिली पुश्तों से हाथियों की देखभाल करती आ रही है। वहीं बेली के पति को बाघ खा गया और उसकी बेटी की भी मौत हो गई। डायरेक्टर कार्तिकी गोंजविल्स ने 5 साल तक रघु और बोमन बेली के लाइफ को करीब से देखा और हर छोटे बड़े मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। कुल 450 घंटे की फुटेज तैयार हुई और 40 मिनट को तैयार किया गया और इसकी स्ट्रीमिंग 8 दिसंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर की गई। द एलिफेंट विस्पर को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में भी देख सकते हैं। बोमन और बेली ने रघु की अपने बच्चे की तरह देखभाल की। बेली कहती है कि रघु बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। जब रघु मुझसे पहली बार मिला तो मुझसे दबा कर मेरी साड़ी खींच रहा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। हर फिल्म में दिखाया गया है कि बेली और बोमन रघु को खाना खिला रहे हैं। वो बच्चे की तरह नखरे कर रहा है उसे जो गोले खिलाए जा रहे हैं, लेकिन रघु बाल्टी में रखी नारियल और गुड़ के लड्डू खाना चाहता है। द एलिफेंट विस्पर में दिखाया गया है कि जानवर में भी सभी इमोशन होते हैं। इन्हें भी हंसी, खुशी, उदासी महसूस होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बोल नहीं सकते हैं। इसमें जानवर के प्रति प्यार के अलावा नेचर की अहमियत को भी दिखाया गया है। कैसे हम अंधाधुंध विकास के दौर में प्रकृति और मासूम पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम नेचर से लाभ तो उठा रहे हैं, तो उन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि गर्मियों में जंगल सूखने की वजह से पशुएं चारा पानी के लिए परेशान हो जाते हैं। चारा पानी की बौखलाहट में हाथियों का झुंड गांव की ओर रुख करने लगता है और इस दौरान कई अपने साथी से बिछड़ जाते हैं तो कई की मौत हो जाती है। इस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर ने रघु के इमोशन को समझने के लिए बेबी एलिफेंट से दोस्ती की। उससे दोस्ती करने में लगभग 1 साल का समय लगा।